नमस्कार, आइए सुनते हैं कथा माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली सत्तिला एकादशी की। युधिष्ठिर ने पूछा, जगन्नाथ, श्री कृष्ण, आदि देव, जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कौन सी विधि है तथा उसका फल क्या है। महाप्राज्ञ, कृपा करके ये सब बातें बताइए। श्री भगवान बोले, नृपश्रेष्ठ सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह सत्तिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम सत्तिला की पापहारिणी कथा सुनो, जिसे मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्य ने दालभ्य से कहा था। दालभ्य ने पूछा, ब्राह्मण, मृत्यु लोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में भी जाना पड़ता है और उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। पुलस्त्य जी कहे, महाभाग, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे, देवादिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडिकाएं बनाए, फिर माघ में जब आर्द्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करें, भली भांति स्नान करके पवित्र हो, शुद्ध भाव से देवादिदेव श्री हरि विष्णु की पूजा करें, कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चार करें, रात को जागरण और होम करें, चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजन करें, तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़े, नारियल अथवा बिजौरे के फल से भगवान को विधिपूर्वक पूज कर अर्घ दें। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घदान किए जा सकते हैं। अर्घ का मंत्र इस प्रकार है, कृष्ण कृष्ण कृपालुस्त्व मगति नाम गतिर्भव संसारार्णवमग्नानाम प्रसीद पुरुषोत्तमा, नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते विश्वभावन, सुब्रह्मण्य नमस्तेस्तु महापुरुष पूर्वज, गृहाणार्घ्यम मया दत्तम लक्ष्म्या सह जगतपते। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं, हम आश्रयहीन जीवों पर आप आश्रयदाता होइए। पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमलनयन, आपको नमस्कार है। विश्वभावन, आपको नमस्कार है। सुब्रह्मण्य महापुरुष सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। जगतपते, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ स्वीकार करें, इसके बाद ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का घड़ा दान दें, साथ ही छाता, जूता और वस्त्र भी दें। दान करते समय ऐसा कहें, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हों। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ दान करें। द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करें। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करें, तिल का उपटन लगाएं, तिल से होम करें, तिल मिलाया हुआ जल पिए, तिल का दान करें और तिल को भोजन के काम में लें। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी सत्तिला कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय कृष्णा लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए।